तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखो भैया, इनके आज बर्थडे था तो ये भैया हमको कहीं कहूँ ना कोना में उतार देते हैं, सीधे यहाँ उतारते हैं ताकि हम यहाँ से पार्टी कर लें। फ्रोजन व्रोजन एक और उठा के हम काई करते हैं, कुछ यहाँ मिलता नहीं है, कोनो कोना में उतार देते हैं। कहीं कौन सा नशा करे थे, पूरे कोना में उतार देते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लूट पाट करते हैं। अभी भैया को तो कुछ बोल नहीं रहे थे तो हम भी कुछ नहीं बोले, और हम यहाँ से लूट लूट करते हैं। लूट करके अब देखो हम गाड़ी वाड़ी घुमाई के और धीरे धीरे निकलते हैं इधर। प्रमोटरी जो भी बोलो, प्रमोटरी बोलो भैया। अब हम इधर निकलते हैं, तब तक हमको एक बंदे का फुटस्टेप आता है। जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तब ये भैया ऊपर कैंपिंग कर रहे थे। हम कहते हैं पहले लूटपाट कर लेने दो, क्या पता कहीं गुम्मा उम्मा हुआ तो हमारा तो काम खत्म कर देगा। तो हम कहते हैं पहले इधर लूट कर लेने दो बढ़िया से, अब फिर ऊपर जाएंगे रस वस करने के लिए। फुटस्टेप तो आ ही रहे थे तो हम कहे चलो मारते हैं। और ये देखो इतने भोले बन के बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि आए हैं यहाँ हगने के लिए कोना में। अब देखो भाई ये तो भोले बन के बैठे थे, हम क्या करते हैं इनको कर देते हैं पूरा, इनको नॉक कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं गुम्मा से लगे फिनिश कर देते हैं। हमारे पास भी था बंदूक गुम्मा वाला, अब हम इनको कर देते हैं फिर से हल्की तोड़ के गिराने लगते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, अब लॉबी में जाके हल्की लोड दी हो लूटियो। हमारे जो टीममेटवा थे वो बहुत होशियार थे, गाड़ी हम यहाँ रोके थे कि बंदा यहाँ है, और वो देखो भाई वो जाके उधर लूटपाट कर रहे हैं। हम कहें देखो भाई ये कैसे कैसे लोग रहते हैं, हम वहाँ जाकर लूट कर रहे हैं। हम कह रहे इधर एनमी है, इधर एनमी है, वो जाकर वहाँ लूट कर रहे हैं। सोचो अगर इसके पास गुम्मा होता तो हमको पूरा खा जाता। और ये टीममेट है हमारे, महान टीममेट प्रो लोग हैं। हम कहते हैं चलो हम भी चलते हैं ओल्ड बासिन में। ओल्ड बासिन में बंदे तो पता नहीं रहते हैं कि नहीं, जैसे हम नज़दीक जाते हैं तो हमको फुटस्टेप आता है। हम कहते हैं ठीक है भैया अभी देखते हैं। हम जैसे ही एक घर के पास आते हैं, ये नीले वाले घर के पास जहाँ दो ही घर हैं, यहाँ से हमको एक फुटस्टेप मिलता है। तो हम गाड़ी घुमा के फिर से इधर रिवर्स ले लेते हैं, कहाँ से कि हमको बहुत शक हो ही रहा था कि बंदे हैं कि नहीं है। तो हम कहते हैं चलो पहले चेक कर लेते हैं। हम जाते हैं इधर और जाके हम इधर सीधे रोकते हैं। तब तक तो दो ही बंदे भाई पीछे से ही हमारे ऊपर रस कर देते हैं, कहते हैं अकेला बंदा है और इनको निपट लेते हैं। तो ये नहीं जानते हैं भैया हमारे पास गुम्मा था, लेकिन क्या करेंगे गुम्मा लेके, भैया हम तो किसी को मार ही नहीं पाते। हमें वो फ्रोजन एक था, हम फेंक देते हैं और आके ये भैया इसी में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं मारे, अब देखो हम गुम्मा फेंक, अब ये फ्रोजन एक तो हम फेंक देते हैं, याद आता है भैया इधर आते हैं तो हम इसी में जाके फंस जाते हैं। और हमारे दो टीममेटवा पता नहीं कहाँ से आते, भैया दोनों लोग कट्ठी लोन ले लेते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता। कह लो भैया हो गया, अब हमारे पास तुमको तो कुछ मिलता उलता नहीं है, केवल यहाँ तो मिलता नहीं है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है भैया हम इधर से निकलते हैं, इधर से निकल के जाके हम ड्रॉप व्रॉप लूटने जाते हैं। अब हम जैसे ड्रॉप व्रॉप लूट रहे थे तब तक तो हमारे टीममेट पता नहीं कहाँ से बंदा मारने वाले लगता है, इनका भी हेल्थ कम होने लगता है, हमारा भी कम होने लगता है। ई भैया तब तक हमको निकाल देते हैं और पेट पेट के चिल्लाने लगता है, हमारे टीममेट वो कहता रहे बचाओ हमको। तब तक हमको पानी में भी एक बंदा कूदता हुआ दिख जाता है, लगता है हमको सीखना चाहते थे स्विमिंग वुमिंग। तो और एक बंदा इधर से भागे भागे आ ही रहे थे लाल कपड़ों में, कहते हैं भैया हमको भी मारो यार, हमको भी मारो। हम कहते हैं ठीक है भैया अभी मारते हैं तुमको। तो इतना डैमेज देते हैं इनको, इतना डैमेज देते हैं कि ये भैया बच जाते हैं। देखो अभी देखो ये हमारे पास था, हमको पहले डैमेज देते हैं, हमको लगा नॉक हो जाएंगे। देखो 40 की 40 गोली उतार दी, पर भाई हमारे गोली गनवन खत्म हो जाता है। हमारे पास गुम्मा था, हम इतना ही दूर से इनको नॉक कर देते हैं, वाह कितना पावर है हमारे में। अब देखो ये तो नॉक हो जाते हैं, हम कहते हैं भागो भैया यहाँ से, हमारे पास कुछ है नहीं। हम जल्दी से भाग के घर में जाते हैं और जाके हम पहले तो UMP5 गोन गन वन निकालते हैं इधर से लूटते उठते हैं। और फिर हमको मिल जाता है इधर ही से 9mm का पीला वाला गोली, और हम भर लेते हैं इसमें, फिर से हम उठा लेते हैं बाइजन भैया को और फिर से जाते हैं इधर ही। और देखो हमारा एक ही किल है, लेकिन अभी देखो हमारे पास भी हो जाएगा 2-4 किल। ये बोर्ड महाराज हमको दिखते हैं, हम इनका कर लेते हैं किल चोरी, मतलब किल चोरी का कहो, हम खाता हमारा बढ़ गया, 2 ही किल था हमारा, स्टेटस बनेगा नहीं, इसलिए हम इनको मार के अपना 2 किल कर लें। हमारे टीममेट को पता नहीं क्या हो गया था भाई, ये सब लोग को मारे ही जा रहे थे RPG से तो कोनो M4 से तो कोनो कुछ से, और हमारे पास ये बीबी बाइजन भैया थे। तो हम पहले जाते हैं अपना किल सिक्योर करने के लिए, हम कहते हैं रुको भैया पहले किल सिक्योर कर लेते हैं। तो एक बंदा यहाँ लेटे पड़े थे और इनका कोनो टीममेट बचाने आ नहीं रहा था, तो हम कहते हैं लाओ पहले इनको फिनिश कर लेते हैं। अब इनको हम कहीं दिखते हैं पुलिस, और हमारे टीममेट वाले बहुत खतरनाक थे, सबको मारे जा रहे थे, तब तक हमको एक बोट दिखता है। हम कहते हैं लखो भैया इनका भी किल ले लेते हैं, नहीं तो साला इसको भी मार देगा लोग। तो हम कहते हैं चलो ठीक है इसका किल ले लिया, अब हम दौड़ के जाते हैं पानी वानी हम क्रॉस व्रॉस करके सीधे जाते हैं थोड़ा लूटपाट करने के लिए, ताकि हमारे पास भी कुछ हो ही जाए। और हम पानी में यहाँ से जाके पानी वानी कूद के क्रॉस करके निकलते हैं। तो हमारा 4 किल तो हो ही गया था, हमारे टीममेट वालों को 7-8 किल मार दिए थे सब। हमको एक बंदा दिख नहीं रहा था, तब तक एक बंदा हमारे ऊपर फायर करने लगता है, हम नीचे कूद के आते हैं। हम कहते हैं अरे भैया इधर कहाँ आ रहे हो यार, अभी हमारे टीममेट मारने लगते हैं इनको। हम कहते हैं लोग इनका किल चोरी करते हैं,
संताप देते हैं, ये भी चले जाते हैं लॉबी में, कहते हैं भैया चार चार लोग के सामने आओगे, तुम्हारी इतना औकात? अब भैया ये तो फिनिश हो जाते हैं, पाँच विच हमारा हो गया था। अब सेंट्रल रोड पे एक ड्रॉप आया था और हमको एक बंदा दिखता, दौड़े दौड़े आ रहे थे ड्रॉप लूटने के लिए, और हम जैसे इनको डैमेज होते थे तो देखो भैया ग्रेनेड फेंक के किले चोरी कर लेते हैं। अरे यार क्या ही भैया क्या कर रहे हो यार, अब तो हमको मारने दो, दो चार बंदे कहीं मिल नहीं रहा था और दस बंदे बचे थे जिनमें से चार लोग तो हम ही थे, तो अब कोई मिल नहीं रहा था, तो हम कहते हैं टीमेटो हमारे टीमेटो को बताओ कौन बंदो बंदो कहा है, तब तो हमारे चार नंबर जो हम फाइट वोट लेने लगते इधर लाल वाल घर में इधर ऊपर ही वेयर हाउस के पास, और ये भैया फाइट वोट लेते तब तक इनके पास रहती है आरपी जो एक लोग को लपेट देते, वो भी सोच रहा होगा साला इसके पास आरपीजी आरपीजी कहाँ से कौन बना दिया है, और एक लोग को नोक करके और इधर ही पता नहीं क्या करने लगते हैं, और हम ऊपर फेंके थे इधर ग्रेनेड फेंक दिए थे और ऊपर कोनो बंदा उनका था नहीं, सब नीचे था बंदा, और तब तक तो भैया एक नंबर को क्या करते हैं एक एक बंदा लपेट देता है और यू इधर ऊ करके नोक हो जाते हैं, हम कहते हैं रुको भी बताते हैं भैया को तनके गोली का बचा रहता है इनको कर देते हैं फेमस, और इनका नाम देखो चिंगपुंग पता नहीं कैसा लिखा हुआ है, और एक नंबर का हो जाते हैं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इनको लगता है भैया अब हमारा खेल खत्म हो गया, इनको नहीं लगता था भाई हमारे टीममेट प्रो प्रो हैं हमको बचाई लेंगे, और ये चले जाते हैं लॉबी में, चलो कौन बात नहीं चले गए लॉबी में, और लास्ट बंदा एक बचाई देता है जिनमें से दो ही तो बॉट थे और ये सामने लड़ रहे थे दो बॉट, तो एक को तो हम ही जाकर किल चोरी कर लेते हैं, एक को हमारे टीममेट को मार देता है, और एक बंदा लास्ट में बचा रहता है जिसको भी हमारा टीममेट को मार देता है, और हम लोग कर लेते हैं चिकन डिनर।